दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग टाइम में। तो दोस्तों, जो अभी बड़ौदा यूपी बैंक ने वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो मैं भी फॉर्मर अप्रेंटिस रह चुका हूँ। और आप लोग काफ़ी एक्साइटमेंट होंगे, उत्सुकता होगी आपको जानने में कि ये अप्रेंटिसशिप होता क्या है बैंक में, इसको करने के फ़ायदे भी हैं या नहीं है, या फिर इससे हमें आने वाले जो बैंकों की वैकेंसीज है उनमें फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, या फिर किसी तरह का रिलैक्सेशन मिलेगा, या रिजर्वेशन मिलेगा, या क्या मिलेगा। ये चीज़ें आप लोगों के मन में काफ़ी चल रही होंगी इस टाइम पे, है ना। और काफ़ी लोगों के मन में ये भी होगा कि अभी हम इसको कर लेते हैं और 1 साल के लिए तो हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हमें फ़ायदा होगा ही, है ना। कुछ वहाँ पर कुछ बेनिफिट होगा, एटलीस्ट 9,000 रुपये तो मिलेंगे हमें, क्योंकि हमारी तैयारी भी हम कई सालों से करते आ रहे हैं, या फिर अगर हम नए नए जुड़े हैं इस फील्ड में बैंकिंग की प्रिपरेशन में, तो इसको करने से हमें खुद का लेवल भी पता लग जाएगा। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 25 25 क्वेश्चन हैं, और 15 15 मिनट के इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। तो इतने कम समय में हम कर सकते हैं ना। आज देखो, आगे आने वाले एग्जाम्स RRB के भी हैं, तो उसमें भी ऐसे टाइमिंग मिलते हैं 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, तो इसको इजिली कर सकते हो वैसे तो। और रही बात ये कि इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो ये अभी फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन एक चीज़ है कि अभी धीरे धीरे बैंक हर बैंक इसको लेके आने वाला है। पहले SBI ने निकाली थी, उसमें पहले जो पायलट प्रोजेक्ट था उसमें हम सिलेक्टेड थे। और इससे पहले एक बार बताता हूँ कि YouTube पे आपको सिर्फ 2 चैनल मिलेंगे जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही हैं चैनल अप्रेंटिसशिप के, जो फॉर्मर अप्रेंटिस रह चुके हैं ना, जो अपनी सारी नॉलेज सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं। और अभी जो SBI ने दोबारा से वैकेंसी निकाली थी अप्रेंटिसशिप की, तो उसमें हमने काफ़ी बच्चों को हेल्प भी की थी, जहाँ तक हम रीच आउट कर सकते थे, जहाँ तक हमारा रीच आउट हुआ हमने वहाँ तक काफ़ी लोगों को हेल्प की। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। और एक बात ये कि जब ज्वाइनिंग के टाइम पे जो प्रोसीजर रहता है ना, एग्ज़ाम्स के बाद DV मेडिकल बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कौन चीज़ कहाँ से बनेगी, इसमें कितनी सिरदर्दी होगी, मेडिकल बहुत सारे होने वाले हैं ना, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी हेल्प करी थी बच्चों की। तो आप भी उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से। और एग्ज़ाम्स का तो आपको पैटर्न पता ही है कि पूरा बैंकिंग लेवल ही है, बैंकिंग पैटर्न ही है पूरा पूरा, है ना। 25 25 क्वेश्चन आएंगे और 15 15 मिनट की टाइमिंग रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि इसको करने से फ़ायदा क्या होगा। इसको करने से फ़ायदा जो भी होगा वो इसको करने के बाद ही पता चलेगा, पर इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसे वो नहीं होता प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो चलती नहीं रहती, कल्याण योजना, NYKS, नेशनल युवा, ऐसा कुछ भूल गया मैं, दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसे प्रशिक्षण केंद्र चलते रहते हैं ना, उस टाइप का है। इसको करने के बाद आपको एक सिंपली सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे पास भी सर्टिफिकेट ऐसा ही है, कुछ रिलीविंग लेटर के टाइप का कुछ नहीं है कि रिलीविंग लेटर मिला तो हम दूसरे में ज्वाइन कर सके इसके बिहाफ पे। ऐसे भी तो देखो फिर भी ब्रांड है यार, ऑलरेडी एक ब्रांड है, तो उसको करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अगर फ़ायदा हो तो इंटरव्यू में ही वो फ़ायदा हो सकता है। और हाँ, अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकलता है इस साल तो आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो उसके लिए चीज़ बहुत बेनिफिटेबल रहने वाली है ना, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम यही हैं, और बाकी हम भी इसके बाद ही आप लोगों से अच्छे से रूबरू होंगे। फिलहाल शॉर्ट वीडियो बना के डाल दे रहे हैं, एंड 20 तारीख के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा कम्प्लीट, उसके बाद मिलते हैं नैनीताल बैंक के एग्ज़ाम्स के बाद। और जी दोस्तों, बाकी आप तब तक फॉर्म वगैरह फिल करो, बेफिक्र होकर फिल करो। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यूपी में है, और यूपी में भी ईस्ट की साइड में, मतलब लखनऊ, शाहजहाँपुर, वाराणसी, उधर की साइड है, सेंटर भी बहुत कम रहने वाले हैं। तो इसको ज़्यादा इस पर कंपटीशन मत रखना कि तो अदर स्टेट वाले भी इसको भर देंगे और बाहर वाले भी भर दे रहे हैं ना, फिर आना जाना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्योंकि ये सोच लो कि 9,000 में कुछ नहीं होगा, इसको सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो आसपास के हैं, जो उधर के आसपास के बिलोंग हैं, है ना। और अभी धीरे धीरे हर जगह पे निकलेगी, हर बैंक इसको निकालेगा, हर बैंक ये वैकेंसी निकालेगा अप्रेंटिसशिप की। तो फिलहाल कंपटीशन मत बढ़ाना, 250 वैकेंसी हैं, 250 वैकेंसी में वैकेंसी बढ़ गई है कास्ट वाइज, तो सिर्फ उधर के लोग ही इसको फिल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपटीशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपके पैसे ही वेस्ट होंगे। और जिसको नीड होगी इस टाइम पे, जिसको कुछ नीड है ना, तो और आसपास की ही नीड, मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में ही भी अगर मेरे को जॉब मिल जाती तो सही रहेगा, है ना। और अगर मैं फिर दिल्ली से मैं UP जा रहा हूँ, तो 9,000 में नहीं हो पाएगा। तो इसको वही लोग फिल करें जिनको सच में आसपास है, बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक जिनके आसपास है, और जिनको लगता है कि वो निकाल देंगे,
कट ऑफ में नाम आ जाएगा। कट ऑफ के बाद भी आप ना हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी सिर्फ ओनली ओनली अप्रेंटिस में भी कितना बड़ा एक तरह का सबसे लोचा टाइप का होता है कि अब ये करो वो करो ये करो ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट। एक बात मैंने और बताई थी आपको ओबीसी वालों के लिए, तो ओबीसी वाले भी इसको ध्यान से देखना। ओबीसी के में क्रीम लेयर और नॉन क्रीम लेयर वाला फंडा है, उसको मैंने बताया था वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, और बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें। जय श्री राधे राधे एंड थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना। ठीक है, बाय बाय।